हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बूट स्टेप प्रोजेक्ट वन का एक और अमेजिंग पार्ट लेके यहां पे जो हमारा पार्ट है ये कहां पे जाएगा, बूट स्टेप प्रोजेक्ट वन नाम की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी में जाएगा। दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब कुछ देखना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। उसके पहले आप लोग को बजट एप्लीकेशन ये बनवाएगा, प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट है आपका जावास्क्रिप्ट से, बहुत अच्छा चीज है, ये भी आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पे जाइए, हम लोग ये वाली वेबसाइट बना रहे थे दोस्तों, यहाँ तक हमारा काम हो गया था, यानी कि ये काउंट एरिया सेक्शन हमारा हो गया था। इसके बाद हमें काम करना था इस पे, यानी कि जो हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन इस पे काम करना है। ये देख लीजिए जो हमारा हम लोग वेबसाइट इसमें काम कर रहे थे वो भी मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ तक हमारा काम हो गया था। इसमें कुछ प्रॉब्लम था दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मुझसे कुछ यहाँ पे छूट गया था थोड़ा बहुत, और कुछ गलती हो गई थी यहाँ पे, देख लीजिए कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये देखिए, है ना। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए अपने फोल्डर को ओपन कर लीजिए, यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे, और जो के नाइट नाम का आपका फोल्डर उसको ओपन कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। इंडेक्स फाइल को सबसे पहले ओपन करेंगे, मेरे में तो रो की मिस्टेक थी, मैं अपने में रो को सही कर देता हूँ, यहाँ पे आर ओ डब्ल्यू होगा। अगर आप लोग का सही है तो आप लोग को इसको सही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने रो कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे रिलोड करूंगा, ठीक है, ये इंस्पेक्ट करता हूँ, अभी तक तो ठीक है सब कुछ। यहाँ पे देखिए ये हमारा मतलब इस वाले कंटेनर से बाहर जा रहा है, तो इसकी वजह ये है दोस्तों कि इसकी हाइट जो है फिक्स कर दी थी हम लोगों ने 400 पिक्सल। ये देखिए जो कंटेनर का हाइट है वो हम लोगों ने फिक्स कर दिया था, इसको हम लोग ऑटो रखेंगे ताकि अपने हिसाब से वो हाइट को मैनेज कर ले। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा दोस्तों, ये देखिए हमारा इसी के अंदर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ठीक है सब कुछ, है ना। यहाँ पे देखिए अब मैं अगर इसको फुल विड्थ में करूँ तो देखिए ये हमारा इसमें जो हमारा नीचे से इसमें थोड़ा सा जगह चाहिए, यानी कि जो ये हमारा ये कॉलम बना हुआ है सारा ये थोड़ा ऊपर चाहिए, नीचे थोड़ा इसकी जगह चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा चीज लगा हुआ इसको रिमूव कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है ना। MT5 भी आप करना चाहें तो रिमूव कर देंगे, अगर MT5 रिमूव करने से क्या होगा, ये जो हमारा कॉन्टेनर है इसमें और सट जाएगा, ये देखिए, है ना, ये हमारा इसमें सट गया। अगर आप चाहते हैं इसको नीचे करना तो इसमें MT5 लगाएंगे या MT3 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है यहाँ पे हमें इसमें नीचे से और थोड़ा इसको ऊपर दिखाना, यानी कि नीचे इसकी जगह और चाहिए। तो ये जो कॉलम है ना, बस आपको इसमें MB-3 लगाना है, यानी मार्जिन बॉटम -3। तो यहाँ पे एक साथ क्लिक कर लीजिए जहाँ पे 3-3 है, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक साथ आपको क्लिक करना है बस, और MB-3 लगाना है, यानी कि मार्जिन बॉटम 3 या 5 जो आपको यूज करना यूज करिए, जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस दीजिए। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगी, देखिए स्पेस आ गया, ठीक है। अब अगर इसको और नीचे करना है तो MT5 लगाएंगे इस रो में, है ना। यहाँ पे अब मैं अगर स्केच करूँ तो ये देखिए हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया, ठीक है, ये देखिए। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा जो कंटेनर से बाहर जा रहा था डेटा, अब वो बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं अपने इस मतलब आगे के टॉपिक की तरफ, यानी पोर्टफोलियो को डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे index.html में, और यहाँ पे आप लोगों को जरूर ठीक करना है दोस्तों, यहाँ पे हाइट आपने फिक्स रखना था, फिक्स रख दिया था हम लोगों ने, उसको ऑटो जरूर करेंगे तभी ये आपका काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट कर देना कमेंट को, यानी कि स्टार्ट लिखिए इस तरीके से, स्टार्ट पोर्टफोलियो सेक्शन, मैंने इस तरीके से कमेंट पास कर दिया दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट पास कर दीजिए ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। सेक्शन कोडिंग में इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ कोडिंग, है ना, और एंड करेंगे इसको हम लोग, यानी दोनों कमेंट हम लोग जरूर पास करेंगे, एंड पोर्टफोलियो सेक्शन कोडिंग इस तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ, है ना। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपको जरूर ये चीज लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, एक सेक्शन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक सेक्शन बना लीजिए इस तरीके से, और इसमें हम लोग क्या क्लास देंगे, पोर्टफोलियो सेक्शन, पोर्टफोलियो इस तरीके से डिफाइन करिए -सेक्शन, इतना क्लास दे दीजिए आप लोग, है ना। इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारा एक क्लास बन गया इसमें पोर्टफोलियो सेक्शन नाम का, इसी को हम लोग सेलेक्ट करके CSS में अपना काम करेंगे। ओके, उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो पोर्टफोलियो लिखना, तो हम लोग इसको H2 का या H3 का, जो H1 का जो भी आप यूज करना चाहिए कर सकते हैं। यहाँ पे मैं H2 का यूज कर लेता हूँ और इस तरीके से लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, ये देखिए मैंने पोर्टफोलियो लिखा। अगर मैं इसको रिलोड करूँ यहाँ पे आके, तो देखिए इसके नीचे जस्ट बनेगा यहाँ पे, ये देखिए मैंने रिलोड किया यहाँ पे बना। इसको हमें कंटेनर के अंदर रखना ताकि ये यहाँ से स्टार्ट हो, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे H2 से पहले इसको कट कर लीजिए, Ctrl+X कर लीजिए, और डॉट कंटेनर एक कंटेनर ले लीजिए ताकि ये हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो, है ना। ये देखिए मैं अगर इसमें रखता हूँ तो अब ये जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, अब ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें देख लीजिए क्या करना है, अब एक अंडरलाइन बनाना है। तो दोस्तों बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने ये अंडरलाइन बनाया, आप चाहें तो उसका कोड कॉपी कर लीजिए, मैं तो कॉपी करने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत बार आप लोग को ये चीज बता चुका हूँ, तो बार बार वही कोड बताने से कोई फायदा नहीं है। स्टूडियो क्लास जहाँ पे लगा आफ्टर स्टूडियो क्लास इसी को कॉपी कर लिए Ctrl+C करके, और सबसे नीचे जहाँ पे आपका कोड है यहीं पे आके क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है सबसे पहले, स्टार्ट पोर्टफोलियो सेक्शन, पोर्टफोलियो इस तरह से डिफाइन कर दिया, सेक्शन कोडिंग, है ना, कोडिंग मैंने डिफाइन कर दिया, इंटर, और इसके बाद एंड करूंगा मैं एंड पोर्टफोलियो सेक्शन कोडिंग, मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। ओके, आप लोग को जरूर डिफाइन करना दोस्तों कमेंट, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो बाद में कोड ढूंढने में। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो
उसको कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको अभी कॉपी क्यों उसको पेस्ट कर देता हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पे हम लोग क्या सेट करेंगे, पोर्टफोलियो सेक्शन, पोर्टफोलियो सेक्शन को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तभी ये उसके नीचे बनेगा, है ना। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, ये देखिए रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक बन गया, है ना। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा नीचे से जगह हो तो ये जो हमारा सेक्शन है ना, बस आप इसमें क्या क्या लगाइए, MB5 यानी मार्जिन बॉटम हाइफन 5, ये रिलोड करूंगा तो देखिए थोड़ा हमारा कॉन्टेंट अभी ठीक है। अगर इसको ऊपर से और मूव करना है तो आप MT5 लगाएंगे इसी में, है ना। अब इसके आगे देख लेते हैं हमें एक, ठीक है ये पी टेक में लिखना है तो कंट्रोल सी कर लेता हूँ उसको मैं। आप लोग डमी टेक्स्ट को ओपन करके रखेंगे और उसी में ये चीजें सारी लिख देंगे फटाफट, है ना। तो डमी टेक्स्ट से आप कॉपी करके और फटाफट पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोग को पूरा कोड अच्छे से दिखे, ओके। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा दोस्तों, ये देखिए हमारा ये भी बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए ये बनाना बहुत आसान है, इसको बनाना दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, ये पी टेक है इसके बाहर आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डॉट एक यूएल लीजिए इस तरीके से, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो यूएल लीजिए और डॉट नेव, है ना। ये देखिए तो यूएल में क्या होगा, एक नेव क्लास लग जाएगी। इससे पहले मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ डिजाइन इसका कैसे चेंज करना है। यूएल ले लेता हूँ इस तरीके से मैं, और इसमें कितना हमें एलआई लेना है, 4 LI लेना है, तो LI इंटू कितना करूंगा 4, यानी 4 LI आ जाए। अब इसमें एक साथ जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल आर दबा के रखेंगे और इस डाउन एरो को दबाएंगे तो सब में एक साथ आप चले जाएंगे। एक टेक ले लिए और इसमें एच आर ई एफ में क्या रखेंगे, हैश, ठीक है। यहाँ पर मैं ले देता हूँ ऐप और देख लेता हूँ क्या 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 लिखना है, ऐप लिखना है, आर लिखना है, ऐप लिखना है, कार्ड लिखना है और वेब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्ड, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया कार्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब, है ना। यहाँ पे मैंने वेब लिखा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आल, ये देखिए मैंने सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखना है आल, ये देखिए मैंने लिख दिया। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा दोस्तों अपने वेबसाइट में, तो ये देखिए हमारा इस तरीके का कुछ बना। अब इसको हम लोग कैसे डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए जो यूएल है ना, बस इसमें आपको क्या क्लास लगाना है, नैब, ये देखिए नैब क्लास लगाने से थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ेगा, ये देखिए ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब इसके एलआई में आ जाइए, कंट्रोल आर दबा के रखिए और एक साथ डाउन एरो दबाइए, सब में एक साथ चले जाएंगे, क्लास लगाएंगे हम लोग नेव हाइफन आइटम, ये क्लास लगाएंगे, है ना, नेव हाइफन आइटम लगाएंगे। अगर ए टैग है तो ये ए टैग पे कोई असर नहीं करेगा, ये देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको अगर ए टैग में है आपका ये जो आपका टेक्स्ट है वो ए टैग में लिखा हुआ है दोस्तों, एंकर टैग में लिखा हुआ, तो आपको इसमें एक क्लास और लगानी पड़ेगी नेव हाइफन लिंक, है ना। ये क्लास अगर आप लगाते हैं तो आपका एक अच्छे से डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए रिलोड करूंगा कितने अच्छे डिजाइन में कन्वर्ट होगा। अब हमें इसको सेंटर में भेजना है, तो सेंटर में भेजने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाइए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट सेंटर इतना डिफाइन करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाएगा दोस्तों। ये देखिए कुछ इसी तरीके का यहाँ पे डिजाइन है, इसको हम लोग अभी और डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर से मूव करना है तो MT-3 लगाएंगे या 4, जो भी आपको लगाना है, तो ये ऊपर से थोड़ा मूव हो जाएगा, ये देखिए मूव नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे BR लगा देंगे एक दो बार, है ना। अगर आपको ज्यादा नीचे लाना है तो BR लगा देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ बस, है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे आगे रिलोड करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके का भी डिजाइन है, इसको हमें एक अच्छे से डिजाइन में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लास दे दीजिए इसमें पोर्टफोलियो नेव, है ना, मैं इस तरीके से दे देता हूँ ताकि मैं इसको CSS में सेलेक्ट करके कुछ काम कर सकूँ। तो पोर्टफोलियो हाइफन नेव इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ, पोर्टफोलियो हाइफन नेव इसका मैंने क्लास दे दिया, इसी को सेलेक्ट करूंगा वहां पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके और यहाँ पे आ जाऊंगा इंडेक्स में, ये देखिए हमारा स्टार्टेड है कोडिंग ऑलरेडी। यहाँ पे इसके बाहर यहाँ पे आ जाइए, डॉट लगा के कंट्रोल भी कर लीजिए और इसके आगे इसको जरूर सेलेक्ट करिए आप लोग, है ना, ताकि ये इसी के अंदर से सेलेक्ट हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमको इसके आगे क्या सेलेक्ट करना है, LI को सेलेक्ट करना है इसके अंदर से, और इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड, इसमें अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूँ इस तरीके से रेड दूँ तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आएगा। रिलोड करूँगा तो देखिए इसमें पूरे में बैकग्राउंड कलर आया, लेकिन हमें इसके बीच में स्पेस चाहिए, तो इसके बीच में स्पेस चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, जो LI है ना इसमें आपको एक क्लास लगाना है, आर्ट और कंट्रोल दबा के रखिए और डाउन एरो की दबाइए, है ना। अगर आप एक एक करके इसमें जाना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आल्ट दबा के रखिए, फिर यहाँ क्लिक करिए, फिर यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, ओके। MX-2 या 3 जो आपको देना है वो दीजिए, मैं रिलोड करूंगा, देखिए हमारे में कितना स्पेस आ गया। अब हमें इसमें बॉर्डर रेडियस लगाना है तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरीके से, और 20 पिक्सल मैं इसका बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा तो देखिए इस तरीके का कुछ हुआ, ठीक है। इसमें हमें वो वाला कलर देना है जो वहाँ पे है, तो ये कलर है, यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे मैं हैश लगा के कंट्रोल भी करूंगा, यानी कि वही कलर आ जाएगा। रिलोड करूंगा तो देखिए वही कलर आ गया, ठीक है। अब इसका जो टेक्स्ट है ये, इसमें सब में वही कलर नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे देखिए एक ही में सिर्फ वो कलर है, बाकी होवर करने पे आता है, ठीक है। तो एक में वो कलर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए इसमें आ जाइए, जो पहला वाला है ना, बस इसमें एक और एक्स्ट्रा क्लास ले दीजिए आप लोग, एक्टिव नाम का एक एक्स्ट्रा क्लास दे दीजिए, है ना, एक्टिव, ठीक है। यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ जाता हूँ अपने कोड में, एक्टिव नाम का जो मैंने क्लास दिया है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कंट्रोल सी कर लीजिए,
ठीक है, उसके बाद कंट्रोल भी कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस लास्ट में एलआई की जगह आपको क्या सेलेक्ट करना है, एक्टिव, एक्टिव को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। और ये जो कोड हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था, बॉर्डर रेडियस रहने दीजिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए, और इसमें बस बैकग्राउंड कलर ये दे दीजिए, है ना। कंट्रोल जेड करूंगा, यहाँ से कंट्रोल एक्स करूंगा, और इसमें आपको बस बैकग्राउंड कलर देना। तो अब जो हमारा ये सब में लग रहा था क्लास, अब ये सिर्फ इसी में, ये देखिए इसी का बैकग्राउंड कलर होगा ना। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में कुछ कलर देना है, हल्का कलर देना है, तो मैं एक कलर ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा, कलर जिला ले लूंगा, हल्का कलर कोई सा, यहाँ पे ये देखिए ये वाला कलर मैं इसके बैकग्राउंड में डालूंगा, है ना। तो यहाँ पे जाऊंगा, बैकग्राउंड कलर लूंगा और कंट्रोल भी करूंगा, ये देखिए हल्का कलर आ जाएगा इसके बैकग्राउंड में, ये देखिए। तो ये कुछ ज्यादा हुआ है, तो ये कलर नहीं लगाएंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को वही कलर लेना जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, कलर जिला ले लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए हल्का कलर लेने के लिए यहाँ पे जाऊंगा, तो देखिए इसके होवर करने पे तो कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका फोटो है ना, इसमें वो कलर है ना। तो यहाँ पे मैं वही कलर ले लेता हूँ, आप लोग कलर कोड देख लेंगे, है ना। ये देखिए वही कलर कॉपी हो गया, अब मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने कंट्रोल लिख किया ऑलरेडी, है ना। यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ, ये देखिए हमारे में वही कलर आ गया, कहाँ गया, ये देखिए सभी में वो कलर आ गया। अब इसका कलर हमें व्हाइट रखना है, तो इसका जो ये अलग है सेपरेट, इसमें आप लोग कलर व्हाइट रखिए, कलर इस तरह से व्हाइट डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। बाकी का कलर हमें ब्लैक रखना है ना। ये देखिए इसका कलर व्हाइट नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एंकर टेक को सेलेक्ट करेंगे, तब ये व्हाइट होगा। लास्ट में एक एक को जरूर सेलेक्ट करेंगे, तभी ये व्हाइट होगा। रिलोड करूंगा, ये देखिए व्हाइट हो गया। इसका जो है एक्टिव, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ पे भी बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, ताकि इसका भी बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल ही रहे, है ना। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, ये देखिए, है ना। अब ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा ये है ना, इसको होवर करने पे हमारा इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके इसको, यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, और इसमें क्या लगाएंगे, होवर इफेक्ट को इस तरह से डिफाइन करेंगे। होवर यहाँ पे डिफाइन करिए, और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग वही वाला कर देंगे, ठीक है। और इसका कलर जो टेक्स्ट कलर है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, इसी को दोबारा कंट्रोल भी कर लीजिए, और होवर करने पे जो ए टैग है उसको सेलेक्ट करिए, उसका टेक्स्ट कलर क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट इसका सॉरी इसका कलर क्या करेंगे, व्हाइट करेंगे, इस तरीके से डिफाइन करिए व्हाइट, #FFF डिफाइन कर देता हूँ मैं, तभी ये व्हाइट हो जाए। रिलोड करूंगा, ये देखिए कर्सर ले जाऊंगा, तो ये देखिए, ठीक है, अब हो रहा है हमारा ये। तो पहले से इसका कलर ब्लैक रहना चाहिए, तो पहले से जो कलर ब्लैक रहे, इसके लिए यहाँ पे आ जाइए, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कलर, इसका चेंज करना है, यानी कि कलर को चेंज करेंगे यहाँ पे हम लोग ब्लैक में, यानी इनहेरिट डिफाइन करेंगे, तभी ये ब्लैक कलर में आ जाएगा। रिलोड करूंगा, तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ए टेक को सेलेक्ट करना है ना, ए टेक को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, तो हमारा इसका भी कलर ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पे ए टेक नहीं सेलेक्ट करना है इस तरीके से, इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, इसी के नीचे कंट्रोल भी करिए, बस यहाँ पे आप ए टेक सेलेक्ट करिए, बस इसका सिर्फ डिफरेंट ये कलर, इसको बैक करिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज कर देना। तो कलर आप इनहेरिट कर देंगे, तो आपका बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आ जाएगा। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, देखिए अब ठीक है ना, ये देखिए ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज बनाना है दोस्तों, ये इमेज लगाना है, और इसमें देखिए सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कैसे बना हुआ है। ये देखिए इसमें दो इमेज है, और इसमें इधर तीन इमेज है ना, ये देखिए इसमें तीन इमेज है, और इसमें चार इमेज है। तो सबसे पहले आपको जो करना है दोस्तों, यहाँ पे एक रो ले लेना है, उसके अंदर तीन कॉलम बनाना है, चार चार का, है ना। यानी चार का कॉलम ये रहेगा इसके लिए, और चार का कॉलम इसके लिए रहेगा, और चार का कॉलम इसके लिए रहेगा। अब जो चार का कॉलम पहला वाला रहेगा, उसमें दो इमेज लगाएंगे, और जो दूसरा वाला उसमें तीन इमेज। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए अपने इंडेक्स फाइल में, और यूएल के नीचे जस्ट आपको क्या लेना है, एक रो लेना है, डॉट रो इस तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपको डॉट कॉल -md-4 मैं इस तरीके से बनाऊंगा, और इंटू कितना करूंगा, 3। यानी चार चार का हमें तीन कॉलम बनाना है। तो अब हमें सिर्फ इसी में काम करना है, पहले वाले में, बाकी सब में ऑटोमेटिक हमारा काम होगा। अब ऑटोमेटिक में कैसे क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले इसमें एक और रो ले लीजिए, हमें यहाँ पे इमेज लगाना है, ठीक है। तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक और रो ले लेता हूँ। इसमें देखिए मैं रो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें दो भागों में इसको बांटना है। देखिए नीचे इसमें एक कलर निकलता है कुछ, और यहाँ पे ऊपर में इमेज लगा हुआ, तो एक रो और ले लेता हूँ इसके अंदर, डॉट रो इस तरीके से ले लेता हूँ। यानी जो कॉल एमडी है, इसमें आपको एक और रो लेना है, ओके। यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद यहाँ पे इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसके रो के बस यहाँ पे सबसे पहले इमेज लगा देंगे हम, जो हमारा इमेज है। तो इमेज हमारा इमेजेस फोल्डर के अंदर है, इस तरीके से इमेजेस फोल्डर में जाइए, और पोर्टफोलियो वाला जो इमेज है, पोर्टफोलियो के फोल्डर के अंदर है, और उसको सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आके रिलोड करता हूँ, तो देखिए इतना बहुत सारा बहुत ये देखिए इमेज आ गया यहाँ पे, है ना। हमें इसको थोड़ा नीचे करना है, तो ये जो रो है ना इसका, इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, MT-5 लगाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। यहाँ पे आके रिलोड करने, देखिए हमारा इमेज जो है नीचे चला जाएगा, इतना नीचे आ गया। अगर आपको इससे ज्यादा नीचे चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे कुछ और करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, इसके जस्ट नीचे ये जो रो है ना, देखिए हमारा इमेज लग गया यहाँ पे, है ना। अब इसके नीचे हमें जस्ट क्या करना है, इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है, यानी जो हमारा वेबसाइट है, ये देखिए
यहाँ पे मैं कर्सर ले जाता हूँ तो इसके नीचे से एक बॉक्स निकलता है, उसको कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, इसके नीचे जस्ट आपको एक और रो ले लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इस रो में आपको एक कॉलम लेना है 12 का, है ना, डॉट कॉल हाइफन एमडी हाइफन 12 इस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको दो कॉलम लेना है, इसके बाद फिर एक और रो ले लेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर डॉट कॉल हाइफन एमडी हाइफन 6 का कितना कॉलम बनाएंगे, 2। अब ये 2 कॉलम मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए जो ये हमारा इमेज है, मतलब ये जो निकलता है नीचे से, यहाँ पे एप वन एक साइड में लिखा हुआ है और एक साइड में आइकन लगा हुआ है, तो इसको मैं दो भागों में बांट रहा हूँ ताकि मैं आइकन को एक साइड दिखा सकूँ और इसको एक साइड दिखा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहला वाला जो कॉलम है इसमें आप लोग क्या करेंगे, H1 ले लीजिए, है ना, यहाँ पे क्या लेंगे, H1 मत लीजिए, H3 लीजिए, ज्यादा बड़ा कॉन्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो H3 मैं ले लूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं क्या लूंगा F1 इस तरीके से मैंने लिखा, और इसी के बाद H5 ले लूंगा, और इसमें क्या लिखूंगा, F जो कि वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाऊंगा, I टेल लूंगा और I इंटू कितना करूंगा 2। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लीजिए एक बार, और क्लास Alt दबा के रखिए, Alt दबा के रखिए और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यानी दोनों जगह पे आपको क्लिक करना है, क्लास लगा दीजिए fa-home। मैं यहाँ पे होम वाला आइकन दे रहा हूँ, आप लोग को अपने तरफ से बढ़िया सा आइकन देना जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके का दिखा। अब इस आइकन को हमें यहाँ पे भेजना है, तो इसको कैसे भेजेंगे, जो इसका कंटेनर है यहाँ पे आ जाइए, D-hyphen फ्लेक्स करिए और जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर डिफाइन करिए और एंड अलाइन आइटम सेंटर, इस तरीके से अगर आप डिफाइन करते हो दोस्तों, तो ये देखिए हमारा डेटा जो है सेंटर में आ गया। लेकिन हमें इसको एंड में भेजना है, यानी कि यहाँ पे तो जो जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर डिफाइन है इसको आप क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो आप इससे इतना करने से क्या होगा, ये हमारा एंड में चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमें इस तरीके का एक ग्रीन बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें बीजी डेंजर दूं, अभी ये जो हमारा कॉलम है ना 12 वाला, इसमें अगर मैं बीजी-डेंजर इस तरीके से डिफाइन करूं, बीजी-डेंजर, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीजी-डेंजर अगर मैं डिफाइन करता हूं तो यहाँ पे देखिए रिलोड करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कलर आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट में भेजूंगा, है ना, इसको मुझे सेंटर में भेजना है, तो सेंटर में भेजने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डी फिल यहाँ पे आ जाइए, रो में ऊपर वाले यहाँ पे देखिए इमेज के ऊपर जो रो है इसमें आप लोग D-flex लगाएंगे और जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, सॉरी अलाइन आइटम सेंटर डिफाइन करेंगे। तो दोनों डेटा हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटर में चला, यानी कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यानी कि बिल्कुल हमारा एक्यूरेट आ गया जहाँ पे हमें दिखाना है, ठीक है। लेकिन इसको हमें और भी कुछ करना है, यहाँ पे देखिए जो आई है ना ये हमारा सटा हुआ है दोनों, तो इसमें पहले कैसे स्पेस देंगे, ये देखिए यहाँ पे एंटर कर लीजिए, जो आई यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, इस तरीके एंटर कर लीजिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड NBSP का यूज करना है, एंड NBSP इस तरीके से डिफाइन करिए, 3-4 बार अगर आप डिफाइन करते हैं इसको तो आपका क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसके बीच में जो गैप आ रहा था वो अब यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखिए रिलोड करूंगा तो हमारा थोड़ा सा उसमें आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका फॉन्ट साइज अभी बढ़ाएंगे CSS से जाके। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको, इसमें आपको कुछ वो देना है क्लास, यानी ये जो आपका बेसिक डेंजर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से, एक इसमें क्लास दे दीजिए portfolio-green, इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ -green-box, है ना, मैंने इसमें एक क्लास दे दिया, इसी को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल सी करके, यहाँ पे आ जाऊंगा और मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे डॉट लगा के कंट्रोल भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको इतना ये भी सिलेक्ट करूंगा, है ना, कंट्रोल सी करके इसके आगे जरूर पेस्ट करूंगा मैं, ताकि इसके इसी के अंदर से वो सिलेक्ट हो, है ना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर अभी लगाता हूँ तो देखिए ये कलर देता हूँ, यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा तो देखिए दोस्तों इसका कलर हमारा चेंज हो गया, है ना, और इसका टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और वाई डिफाइन करेंगे, यानी Sharp FFF डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके रिलोड करूँ तो देखिए इसका टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो गया। अब आपको आई का अगर बढ़ाना है, आई का फॉन्ट साइज, तो कंट्रोल सी कर लीजिए, इतना कंट्रोल भी करिए और लास्ट में आई टेक को इस तरीके से सेलेक्ट करिए और इसका फॉन्ट साइज इस तरीके से बढ़ा दीजिए, फॉन्ट साइज में रखता हूँ उसका 30 pixel, है ना, तो देखिए इसका फॉन्ट साइज जो आई आइकन है आपका इसका बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पे वही आइकन लगाना जो यहाँ पे लगा हुआ दोस्तों, आपको ढूंढ के लगाना है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कैसे आइकन लगाना है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका करना है हमें, यहाँ पे इस बॉक्स को हमें पहले से नहीं दिखाना है, यानी कि हाइड रहना चाहिए, तो ये जो हमारा कलर लगा हुआ इसको हटा दीजिए और ओपेसिटी इसका क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ओपेसिटी 0 कर देंगे। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, ये देखिए ओपेसिटी मैंने 0 कर दिया, तो अब ये हमें नहीं दिख रही है, देखिए बॉक्स नहीं दिखा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, बॉक्स नहीं दिख रहा है, हमें बॉक्स दिखाना है, कब दिखाना है, जब मैं चाहता हूँ जब इस इमेज वाले बॉक्स पे ओवर हो, तो जो इमेज वाला बॉक्स है इसमें आ जाइए, ये जो रो है इसमें आप लोग एक क्लास दे दीजिए कोई भी, img-box, जैसे मैंने हाइफन बॉक्स दे दी, यहाँ पे img-box मैंने क्लास दे दी, इसी को सिलेक्ट करूंगा, तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, इतना सिलेक्ट करना है कंट्रोल सी करके, उसके बाद डॉट लगा के img-box को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, इस पे होवर लगाना है, और होवर लगाने पे क्या दिखेगा वो हम लोग
इसके आगे होवर के आगे से कुछ शो करेंगे, तो हमारा होवर लगाने से ये वाला बॉक्स दिखेगा, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल भी करना है, यानी पोर्टफोलियो ग्रीन बॉक्स जो है वो होवर करने पे दिखेगा। उसके बाद होवर करने पे क्या होगा, ओपेसिटी इसका हम लोग क्या करेंगे, वन कर देंगे। तो जैसे जैसे मैं होवर करूंगा, देखिए रिलोड करता हूँ, ये देखिए इस पे कर्सर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे होवर होना क्यों नहीं आ रहा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, होवर होने पे शो हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड कलर इसमें नहीं लगा होना, तो यहीं पे आप बैकग्राउंड कलर लगाएंगे होवर में, है ना, ताकि होवर होते ही ये शो हो जाए। ये देखिए शो हुआ। अब हम लोग इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये देखिए जो आपका बॉक्स है, यानी कि ये जो बॉक्स है इसमें आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करना दोस्तों, यहाँ पे ट्रांजिशन लगा दीजिए इस तरीके से, और इसमें टाइमिंग डिफाइन करिए 0.5 इस तरीके से डिफाइन करिए, तो अब क्या होगा यहाँ पे ये थोड़ा सा स्मूथ खुलेगा, ये देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 सेकंड डिफाइन करते हैं तो ये और थोड़ा आराम से खुलेगा। ये देखिए मैं यहाँ पे 1 सेकंड डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, ये देखिए थोड़ा ये अब और आराम से खुल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पे यहाँ पे देखिए ये हमारा इमेज थोड़ा ऊपर भागता है ना, तो ये इमेज ऊपर कैसे जाएगा, सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इतना कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके इतना कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आके रिलोड करूंगा कंट्रोल भी करके, और यहाँ पे होवर करने पे क्या करूंगा, जो हमारा मार्जिन टॉप इसमें डिफाइन करता हूँ, मार्जिन हाइफन टॉप माइनस में दूंगा मैं 20 पिक्सल, ताकि इस पे होवर होते ही ये थोड़ा माइनस में जाए, है ना। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, ये देखिए कर्सर ले जाता हूँ, नहीं हो रहा है, तो देखिए ध्यान से इसपे होवर होने पे जो हमारा इमेज है उसका, इसपे होवर होने पे हमारा इमेज का ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या सेलेक्ट करना है, इमेज को, है ना, इस तरीके से हमको सेलेक्ट करना है, रिलोड करूंगा। अब ये देखिए इस पे कर्सर लेके जाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए है ना हमारा ये कॉन्टेंट जा रहा है ऊपर, ये देखिए है ना, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हमारा थोड़ा ये स्मूथ जाना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसी को आपको सेलेक्ट करना है, इतना बस आपको इतना सेलेक्ट करना है, ये इतना सेलेक्ट करना है कंट्रोल सी करके, और इसी के ऊपर कंट्रोल भी करना है, इसकी इमेज से आपको IMG यानी इमेज को सेलेक्ट करना है, और इसमें आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करना है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 0.5 इसका प्रॉपर्टी देंगे, यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, तो अब ये थोड़ा स्मूथ जाएंगे, ये देखिए है ना, ये कितना अच्छा बना दोस्तों। इसी तरीके से आपको बनाना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए पहले वाले कॉलम में आपको ये दो दो बनाना है, यानी कि दो चीज रहेगा, दो बॉक्स रहेगा। यहाँ पे आ जाता हूँ, बस इसी रो को आपको कॉपी करना है, ये जो रो है ना बस इसी को आपको कॉपी करना है कंट्रोल सी करके, ये पूरा रो कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पे आके कंट्रोल भी करेंगे, तो इसी के नीचे जस्ट एक और बन जाएगा। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, देखिए रिलोड करता हूँ, ये देखिए इसके नीचे बना। बस हमें क्या करना है, इमेज को चेंज करना है, इमेज को चेंज करना है, और इसमें MB-2 डिफाइन करना है, ये देखिए इसमें आप लोग को क्या करना है, MB-2 डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, बस हमें इमेज चेंज करना है, ये देखिए, ठीक है, इमेज चेंज करना है। तो इमेज चेंज करने के लिए यहाँ पे जो इमेज लगा हुआ, मैं देख लेता हूँ कौन सा इमेज लगेगा, यहाँ पे जाऊंगा इंस्पेक्ट करके देख लूंगा मैंने, है ना। तो यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया, ये देखिए 6 वाला इमेज है, तो यहाँ पे मैं 6 वाले इमेज का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा 6, तो अब हमारा वही इमेज आ जाएगा जो यहाँ पे डिफाइंड है। यहाँ पे रिलोड करूंगा, देखिए वही इमेज आ गया, ये देखिए ना, इसी तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। बस अब कुछ नहीं करना है, इसी दोनों को कॉपी करिए, ये दो रो है फिर से बंद कर लीजिए इसको, इसमें आपको फिर से यहाँ पे पहले MB-2 डिफाइन कर दीजिए, फिर आपको इसको यहाँ पे बंद करना है इस तरीके से रो को, और ये दोनों रो कॉपी कर लेना कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। ये जो 4 वाला है इसमें कंट्रोल भी करना है, तो ये दोनों आप कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा, ये देखिए रिलोड करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे दिखा, इसके अंदर हमें कितना दिखाना है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे 1, 1, 2 एंड 3 तीन इमेज दिखाना है, तो यहाँ पे एक रो है, ये देखिए रो, ये लास्ट वाला जो रो है इसको एक बार और कॉपी पेस्ट कर लीजिए कंट्रोल सी करके, कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 इमेज दिखा, ये देखिए 3 रो हो गया, यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, देखिए 3 इमेज में दिखा है ना, लेकिन हमें इमेज चेंज करना है, तो यहाँ पे जो इमेज है ये 2 इसकी वो है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ, पहला वाला जो इमेज है यहाँ पे, ये देखिए पहला वाला आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 डिफाइन करना है। उसके बाद जो आपका दूसरा वाला है यहाँ पे, देखिए ये जो हमारा दूसरा वाला इमेज यहाँ पे लगा हुआ 6 यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आपको कितना डिफाइन करना, मैं रिलोड करता हूँ यहाँ पे आके, तो जो पहला वाला इमेज है अभी वही चेंज हो गया है ना, ये देखिए पहला वाला जो इमेज था वो चेंज हो गया, हमें इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे देख लूंगा कौन सा इमेज है ये, ठीक है, यहाँ पे देख लेता हूँ, ये हमारा कौन सा है 5 वाला है, और इसके नीचे वाला भी देख लूंगा, ये वाला है ना, इंस्पेक्ट करता हूँ 5 वाला है, और ये हमारा कौन सा है 9 है, ठीक है। तो इसमें मैं 5 और 9 को डिफाइन करूंगा, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा 5 को, और यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करूंगा लास्ट वाला है, यहाँ पे 9 डिफाइन करूंगा, और इसके ऊपर वाले में यानी कि जो बंद है इसमें आपको खोलना है, और यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है 5, यहाँ पे आके रिलोड करूंगा दोस्तों, तो देखिए सेम इमेज हमारा वहां पे भी आ जाएगा, ये देखिए एजेटिज आ गया, ये देखिए है ना, इसी तरीके से आपको काम करना है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। अब उसके बाद लास्ट वाले में देख लीजिए 4 है ना, 4 इमेज है, तो यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों रो को पहले बंद कर लीजिए आप, ध्यान से देखिए बंद करना है आपको, इसको इसको एंड इसको, तीनों को बंद कर लिया, इन तीनों को कॉपी कर लिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पे आ जाइए और कंट्रोल भी कर दीजिए। उसके बाद लास्ट में एक और को आपको कॉपी करना है इस तरीके से, लास्ट वाले को कंट्रोल सी करके इसी के नीचे कंट्रोल भी करना है। अब इसको चारों को खोल लीजिए इस तरीके से,
और यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा दूसरा वाला इमेज है, यानी जो पहले में, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, थ्री। ये देखिए जो ये जो रो है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा इमेज थ्री, और उसके बाद यहाँ पे मैं देख लेता हूँ और कौन सा आएगा, है ना, ये वाला थ्री हो गया, ये इंस्पेक्ट करूंगा यहाँ पे, ये हमारा कौन सा हो गया फोर, ये हो गया फोर, यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा थ्री फोर, एंड यहाँ पे हमारा सेवन है, एंड देन हमारा लास्ट में क्या मैं देख लेता हूँ एट है ना, थ्री फोर सेवन एट, यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा, यहाँ पे हमने थ्री डिफाइन किया, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा फोर, और यहाँ पे डिफाइन करूंगा थ्री फोर सेवन, यहाँ पे डिफाइन करूंगा सेवन, और यहाँ पे मैं लास्ट वाले में डिफाइन करूंगा एट, यानी कि वही इमेज अब हमारा यहाँ पे अभी आ जाएगा, यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा, ये देखिए मैं रिलोड करता हूँ, ये देखिए सेम इमेज हमारा आ गया और सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा दोस्तों, अगर आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको आइकन जरूर चेंज करना है, मैं यहाँ पे देखिए एक चीज पहले एक ही बनाया है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कैसे कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ, ये देखिए इसको बंद करूंगा, इसको बंद करूंगा, इसको मैं सॉरी कॉलम को नहीं, रो को बंद करना है ना, उसके बाद इसके नीचे वाले रो को, उसके बाद इसके नीचे वाले रो को, देखिए जो हमारा तीन मैंने पहले सबसे पहले तीन कॉलम बनाया था, तो यहाँ पे पहला वाला जो कॉलम है उसमें आपका कितना रहेगा, दो रो रहेगा, है ना, दो रो, ठीक है, उसके नीचे वाले कॉलम में यानी कॉलम भी फोर नीचे वाला है उसके बीच वाला, उसमें आपका तीन रो रहेगा, उसके नीचे वाले में यानी कॉलम भी फोर जो है उसमें आपका चार रो रहेगा, ठीक है, उसमें बस आपको इमेज चेंज करना है, पहले इस तरीके का डिजाइन बना लेना, तभी आपको आगे का काम करना है, जिस तरीके से मैंने किया तभी आपको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ज्यादा आपको कोड भी नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको इसको बनाने में जरा सा भी कहीं पर दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ है, तो आप हमें ईमेल करिए दोस्तों, मैं खुद आपको लाइव आके गूगल मीट अरेंज करके मैं खुद आपको वो चीज समझाऊंगा और आपका ये जरूर कंप्लीट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून। इसमें कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।